सब्सक्राइब हरियाणा बीट्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। डाउनलोड करें हरियाणा बीट्स ऐप और देखें हरियाणवी गानों के साथ साथ अपने पसंदीदा शोज। हे गाइस, दिस इज विजय कुमार एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो म्यूजिक लैब, जहां पर हम करते हैं आपके मनपसंद गानों का रिव्यू। तो इस हफ्ते जो गाने रिलीज हुए हैं, एक बार उन पर नजर दौड़ा लेते हैं। ओ बागी दे बार मिलेंगे दिल्ली जाना सारी तेरे यार में, ओ बागी दे जिंदगी बनाई धन्यवाद तेरा रे, लाटू तेरे सुतरे पड़ के सरगम मचर छे चल दिल्ली ठोडी पैकारा बाकी सारी मिली की। तो इस हफ्ते हम करेंगे इन चार गानों का रिव्यू। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लड्डू से, क्योंकि थोड़ा सा मीठा मुंह होना चाहिए शुरुआत में। तो लड्डू गाना रिलीज हो चुका है, जिसे गाया है अपनी खूबसूरत आवाज में समीर कथुरवाल ने, और इस गाने में एक्ट किया है खूबसूरत मॉडल श्वेता चौहान, और उनका साथ निभाया है केडी ने, यानी कि कुलदीप कौशिक ने, और इस गाने का निर्देशन किया है अमित चौधरी ने। तो इस गाने की जो फेवरेट लाइन मुझे लगी है, चलिए आपको वो दिखा देते हैं। पहले सब चीज जान फैल करे यो चांद जैसा तेरा चेहरा रे कदे लाग जा। तो ये लाइन थी हमारी मनपसंद, और हमें उम्मीद है कि ये लाइन आपको भी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस गाने की थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, झांकते हैं इस गाने में क्या है खास खास। तो इस गाने की अगर हम बात करें तो गाने का जो म्यूजिक है बहुत ही कमाल का है। गाने के जो राइटर हैं राजू कंडेला, बहुत ही वो अच्छा लिखते हैं, बहुत ही उम्दा लिखते हैं। अगर मैं गाने के लिरिक्स की बात करता हूँ, तो गाने का जब लिरिक्स आप सुनोगे तो बहुत जल्दी आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। उसके अलावा समीर कथुरवाल की जो आवाज़ है, डेफिनेटली हर किसी को पसंद आती है, और उनकी आवाज़ में जिस प्रकार की जो एक लय और एक रिदम होती है ना, वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो इस गाने में भी आप जब आप इस गाने का म्यूजिक सुनेंगे तो डेफिनेटली आप पूरी तरह से खो जाएंगे। ऑल ओवर अगर हम गाने की बात करते हैं तो पिक्चराइजेशन वेरी गुड, उसके अलावा गाने का जो म्यूजिक है वो भी बहुत बढ़िया है, और गाने की जो क्वालिटी यानी कि जो वीडियो क्वालिटी की हम बात करें तो वो भी आपको जरूर इम्प्रेस करेगी। तो देखने के हिसाब से और सुनने के हिसाब से ये गाना आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं जी एक बार पहले पूरा गाना, उसके बाद लौटते हैं, फिर देखिए एंजॉय करिए गाना। तेरा नए नए सूट पहर के बैरन रोज गाल में आना। तो जी कैसा लगा आपको गाना? बिल्कुल आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर मुझे पसंद आएगा तो आपको तो पसंद आना ही था। खैर अब हम इस गाने की रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो गाने का जैसा कि हम बता चुके हैं कि जो जो इस चीज़ में गाने में क्वालिटी है, हालांकि आपको जो थोड़ा सा निराश कर सकती है वो गाने की स्टोरी आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा निराश कर देती है। वैसे अमित चौधरी की जो खासियत है, हर गाने में जब भी वो निर्देशन करते हैं तो हर गाने में उनकी जो स्टोरी वो जो डालते हैं वो हर किसी को पसंद आती है, लेकिन इस गाने की स्टोरी थोड़ी सी कमज़ोर है और उसी के हम नंबर काटने वाले हैं। तो इस गाने को मिलते हैं हरियाणा बीट्स की तरफ से 2.5 स्टार। तो चलिए जी बढ़ते हैं अब अगले गाने की तरफ, और देखो लड्डू हमने खा लिया है तो लड्डू के साथ दूध का तो अपना ही मजा होता है, यानी कि अब बारी है इस हफ्ते के अगले सॉन्ग मिल्की की। तो मिल्की गाना जो कि गाया है रुचिका जांगिड़ और विश्वजीत चौधरी ने, इस गाने में मॉडल है सपना चौधरी जो कि है सबकी फेवरेट, और उनका साथ निभाया है विश्वजीत चौधरी ने। तो घूंघट 3 में इन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद की गई थी, तो इस गाने में एक बार फिर से दोनों आए हैं तो गाना बड़ा ही धमाल मचा रहा है। उसके अलावा इस गाने का निर्देशन किया है रिकी यादव और लव रंधावा ने, बाकी गाने की डिटेल हम बाद में जानेंगे। उससे पहले इस गाने की जो फेवरेट लाइन है एक बार वो देख लेते हैं, चलिए देखिए। घाट को न्या चले जब ढोर बना के भाई रोई के। तो ये थी जी हमारी फेवरेट लाइन इस गाने की, और आई होप आपको भी जरूर पसंद आई होगी। बाकी इस गाने की चलिए अब खाल उतार लेते पूरी तरह से। तो मिल्की गाने का निर्देशन किया है रिकी यादव और लव रंधावा ने, तो बताना चाहेंगे इन दोनों की जोड़ी ने बहुत सारे खासाड़ा चेहरे के गाने कर रखे, तो बहुत सारे गाने इन्होंने हिट दे रखे हैं इन दोनों की जोड़ी ने। तो इस गाने का जो निर्देशन किया है तो डेफिनेटली काम इनका आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इस गाने की जो पिक्चराइजेशन है आपको जरूर इंप्रेस करेगी। उसके अलावा गाने के जो लिरिक्स लिखे हैं नवीन विशु बाबा जी ने लिखे हैं, और उनकी कलम का तो देखो जी हर जगह आजकल डंका बज रहा है, बहुत ही उम्दा लिखते हैं, तो गाने का जो लिरिक्स है वो भी आपको जरूर इंप्रेस करेगा। बाकी जिस गाने में सपना चौधरी हो जाती है तो उस गाने में कमियां ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबकी नजर सपना चौधरी पे तो रहती है। खैर बाकी की थोड़ी सी डिटेल बाद में करेंगे, एक बार पूरा का पूरा गाना हम देख लेते हैं, देखिए आप भी हमारे साथ। रे तू सुथरी के सुती।
तो ये था जी मिल्की गाना, आई होप आपको भी जरूर पसंद आया होगा। बाकी गाने की जो फाइनल डिटेल है उस पर भी एक बार नजर दौड़ा लेते। मिल्की गाना एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और इस गाने के बारे में अगर पिक्चराइजेशन देखी जाए बहुत ही उम्दा हुई है और ये गाना काफ़ी टाइम तक ट्रेंडिंग में भी रहा। और विश्वजीत चौधरी और सपना चौधरी की जो जोड़ी है वो जब भी आती है तो कुछ ना कुछ धमाल जरूर करती है। तो इस गाने में चाहे वो निर्देशन हो, चाहे वो लिरिक्स हो, सिंगर हो या फिर राइटर हो, तो हर किसी ने बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है। गाने की जो टीम है चाहे वो पर्दे के पीछे हो या फिर पर्दे के आगे हो, तो बहुत बड़े बड़े इस गाने में नाम है तो उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। तो उम्मीदों पर हर कोई बिल्कुल खरा उतरा है और रुचिका जांगड़ की आवाज़ ने भी डेफिनेटली हर किसी का मन मोह लिया है। तो इस गाने को अब स्टार देने की बात है तो इस गाने को मिलते हैं जी 3 स्टार्स। चलिए बढ़ते हैं जी अब आगे, यानी कि आज के सेकेंड लास्ट सॉन्ग की तरफ, जो कि गाया है अमित सैनी रोहतकिया ने और गाने का नाम है जी दिल्ली जाने तेरे यार ने। वैसे मुझे पता नहीं कोई जानता कि नहीं जानता, खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रिव्यू के बाद शायद 2-4 लोग तो जरूर जान जाएंगे। तो चलिए गाने की बात करते हैं। तो इस गाने में कि जो आवाज़ दी है अमित सैनी रोहतकिया ने दी है, इस गाने में एक्ट किया है अमित सैनी रोहतकिया और आप सबकी फेवरेट अंजलि राघव ने, इस गाने का निर्देशन किया है जीतू जी ने। बाकी गाने की खाल उतारेंगे, उससे पहले इस गाने की जो फेवरेट लाइन है एक बार वो देख लेते हैं, एंजॉय करिए। तो ये थी जी हमारी फेवरेट लाइन और हमें बिल्कुल थोड़ा बहुत तो विश्वास है आपको भी ये लाइन जरूर अच्छी लगी होगी। तो इस गाने की चलिए अब खाल उतारते हैं। तो इस गाने में पहली बार अमित सैनी रोहतकिया और अंजलि राघव एक साथ नजर आए। इस गाने का निर्देशन किया है जीतू जी ने, उससे पहले भी जीतू जी अमित सैनी रोहतकिया के लिए बहुत सारे सॉन्ग का निर्देशन कर चुके हैं, चाहे वो फिर विवाद सॉन्ग हो, माल्टा सॉन्ग हो या फिर मेरा बापू सॉन्ग हो, तो बहुत सारे सॉन्ग्स का वो निर्देशन कर चुके हैं। तो इन दोनों की जोड़ी यानी कि अमित सैनी रोहतकिया और जीतू जी की जोड़ी लगातार काम कर रही है और काम भी बहुत अच्छा कर रही है। उसके अलावा इस गाने के जो राइटर हैं आरपी सिंह, बहुत ही अच्छा लिखा है। और देखो सबसे बड़ी बात ये थी कि राइटर भी जब कोई भी लाइन लिखता है तो वो सोचता है कि मैं ये लाइन ने उस सिंगर के लिए लिख रहा हूँ। और जिस प्रकार से अमित सैनी रोहतकिया का स्टाइल है, थोड़ा सा एक्शन उनके सॉन्ग्स में दिखाई देता है, तो उस हिसाब से गाने की जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल उन पर शूट कर रही हैं। उसके अलावा गाने की जो स्टोरी है वही आपको थोड़ी सी पुरानी स्टोरी जरूर लगेगी, क्योंकि जिस प्रकार से एक जो ट्रेंड सा चल रहा है अमित सैनी रोहतकिया के लिए थोड़ा सा एक्शन गुंडागर्दी, तो वही सेम चीज़ें आपको इस गाने में देखने को मिलेगी। बाकी एक बार ही आप पूरा गाना देख लीजिए, उसके बाद करते हैं जी थोड़ी सी और बातें, इंजॉय कीजिए ये वाला गाना। तो ये था जी पूरा गाना दिल्ली जाने तेरे यार ने और इस गाने के जो फाइनल वर्ड है हमारी तरफ से। देखो इस गाने की जैसे कि हम बता चुके हैं कि गाने का म्यूजिक आपको जरूर अच्छा लगेगा और जो अमित सैनी रोहतकिया के फैन हैं उनको तो जरूर गाना पसंद आएगा। हालांकि जो आपको थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि सेम टेस्ट जो कि अमित सैनी रोहतकिया के गानों में आपको बार बार मिल रहा है, बस वही गुंडागर्दी, वही एक्शन, वो थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि अमित सैनी रोहतकिया थोड़ा सा अपना जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कुछ अलग करें और हम यही उम्मीद लगाते हैं। तो फिलहाल इस गाने को जो अब स्टार देने, तो इस गाने को मिलते हैं 2.5 स्टार। तो चलिए जी बढ़ते हैं आज के लास्ट गाने की तरफ और धन्यवाद। एक मिनट, मैं बाय बाय नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली इस गाने का नाम है धन्यवाद, जो कि गाया है दिलेर सिंह खरकिया ने और उनका साथ निभाया है सिंगिंग में नहीं मॉडलिंग में एंजल राय ने। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है दिलेर सिंह खरकिया ने और उनका साथ निभाया है सिंगिंग में नहीं एक्टिंग में एंजल राय ने। तो कुछ दिन पहले आपने एक सॉन्ग और दूर देखा हुआ इनका एंजल राय का दिलेर खरकिया के साथ हरियाणवी बीट, जिसे रेणुका पवार और दिलेर खरकिया ने गाया था। तो एक बार फिर से ये दोनों जोड़ी साथ में आई है और दोनों की जोड़ी काफ़ी पसंद भी की जा रही है और इस गाने का जो निर्देशन किया है वो दीपेश गोयल ने किया है। बाकी की डिटेल इस गाने के बाद में जानेंगे, उससे पहले एक बार जो गाने की फेवरेट लाइन है एक बार उस पर नजर दौड़ा लेते हैं। छीन लिए सारे मेरी जिंदगी के गम। तो जी ये थी इस गाने की हमारी फेवरेट लाइन और हमें उम्मीद है अब ये लाइन आपकी भी फेवरेट बन गई होगी। तो इस गाने की डिटेल में जाते हैं। तो इस गाने का निर्देशन किया है दीपेश गोयल ने। जो पिछला गाना दिलेर खरकिया का जो आया था हरियाणवी बीट एंजल राय के साथ ही, हालांकि उस गाने में जो आवाज़ रेणुका पवार ने दी थी, तो उस गाने का निर्देशन भी दीपेश गोयल ने किया था। तो दीपेश गोयल से उम्मीद हमेशा ये रहती है कि जो पिक्चराइजेशन है गाने की बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में रहेगी। तो इस गाने में डेफिनेटली जो पिक्चराइजेशन है वो बहुत ही मस्त है। हालांकि गाने की जो मुझे जो लिरिक्स हैं वो थोड़ा सा निराश करने वाले हैं, क्योंकि इस गाने के लिरिक्स तो इतना ज़्यादा असर आप पर नहीं डालेंगे।
हालांकि देखो दोनों की जोड़ी डेफिनेटली बहुत पसंद की जा रही है। बाकी गाने का जो म्यूजिक तैयार किया है वो किया है अमन जाजी ने। तो चलिए अब इस गाने को पूरा का पूरा देख लेते हैं, उसके बाद फाइनल वर्ड जरूर देंगे। तो एंजॉय कीजिए पूरा का पूरा गाना। मेरी जिंदगी के जितने भी दिन बिताने तेरी गेल सुन ले। तो ये था जी पूरा का पूरा गाना, कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो गाने का म्यूजिक तैयार किया है गुलशन बाबा ने, और पूरा का पूरा गाना देखने के बाद मुझे जो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इस गाने की जो स्टोरी है थोड़ा सा आपको इमोशनल कर देगी। हालांकि देखो हरियाणा में जिस प्रकार के गाने यानी कि जो टेस्ट किए जाते हैं वो थोड़े डीजे टाइप वाले सॉन्ग हमें अक्सर पसंद आते हैं, बट हम ये भी इसमें तारीफ भी कर सकते हैं कि जिस प्रकार से थोड़ा सा चेंज करके कॉन्सेप्ट एक नया लेकर आए हैं, तो जरूर उसके लिए हम दिलेर खरकिया और उनकी पूरी टीम की तारीफ जरूर करेंगे। तो चलिए अब जल्दी से इस गाने को स्टार देते हैं। तो इस गाने को मिलते हैं हरियाणा बीट्स की तरफ से 3.5 stars। तो ये थे जी इस हफ्ते के 4 गाने जिनका हमने रिव्यू किया, और अगर आप भी चाहते हो आपके किसी मनपसंद गाने का रिव्यू हो तो उसके लिए आपको हरियाणा बीट्स के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसके अलावा हरियाणा बीट्स के फेसबुक पेज पर भी कमेंट करके या फिर इनबॉक्स में मैसेज करके आप बता सकते हैं कि हमें अगले एपिसोड में किस गाने का रिव्यू करना चाहिए। तो मिलते हैं जी अगले एपिसोड में कुछ और नए गानों के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए राम राम। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा बीट्स। डाउनलोड द ऐप नाउ।